हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश पांडे। आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं अबाउट सियर वॉल, क्या होता है सियर वॉल एंड कब डिजाइन करते हैं और किस लिए करते हैं और कितने थिकनेस का करते हैं। आज हम इसके बारे में डिस्कस करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं सियर वॉल, अबाउट सियर वॉल। ओके, तो इट इज अ वर्टिकल प्लेट लाइक आरसी में, बट हम लोग इस प्रेजेंटेशन में तैयार करने जा रहे हैं और यहाँ पर जो हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन, पोजिशन, विजन, प्रोविजन, बिहेवियर एंड कंक्लूजन, इसके बारे में हम लोग एक एक चीज करते देखेंगे। ओके, सो वी मूव ऑन। फर्स्ट इज अ वर्टिकल, सॉरी, व्हाट इज अ सियर वॉल। सो द डेफिनेशन इज वर्टिकल प्लेट लाइक आरसी वॉल, इट्स स्टार्ट एट फाउंडेशन एंड लेवल थ्रू आउट द बिल्डिंग हाइट। Why sear wall is provided? Because its structural member used to resist the lateral force. Lateral force means दोस्तों horizontal force. Horizontal force कैसा होता है? जैसे beam का force, lateral force. This is a lateral force. इसको resist करने के लिए कौन सा क्या लगाते हैं हम लोग? इसको resist करने के लिए हम लोग लगाते हैं sear wall. Provide strength and stiffness to control the lateral displacement. मतलब बिल्डिंग ऐसे है तो ऐसे ना हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? सियर वॉल प्रोवाइड करते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट ना हो। ओके, अब दिमाग में आता है कि कितने थिकनेस का सियर वॉल प्रोवाइड करना चाहिए। तो यू कैन सी हियर, मिनिमम थिकनेस ऑफ सियर वॉल इज 150 mm एंड मैक्सिमम थिकनेस इज द 400 mm. ओके, अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कोई बिल्डिंग होती है तो ग्रेविटी के कारण ही हमारे अर्थ पे रुकी रहती है, राइट। तो एक नॉर्मल बिल्डिंग है यहाँ पे, इस पे अगर विंड का प्रेशर लगता है तो देखिए विंड के वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है हमारी बिल्डिंग पे, बिल्डिंग हमारी लैटरल डिस्प्लेसमेंट में हो रही है। और अर्थक्वेक की वजह से देखिए, अर्थक्वेक जो होता है वो जिगजैग चलता है। अर्थक्वेक कैसे चलता है? जिगजैग चलता है। ये देखिए जिगजैग की वजह से बिल्डिंग का क्या हाल किया, उसने किस तरीके से फॉल कर दिया बिल्डिंग का। और अगर हमने वहीं पर अगर सियर वॉल प्रोवाइड किया होता तो क्या होता, अगर कोई लैटरल फोर्स आता भी तो ये उसके यूज कर लेता, मतलब रजिस्ट कर लेता और साथ ही साथ उसके रोटेशन को कंट्रोल कर लेता, रोटेशन नहीं होने देता, ट्विस्टिंग को कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग अपने सियर वॉल को प्रोवाइड करते हैं। देखिए बगल में मैंने एक एग्जांपल दिया है, नॉन सियर वॉल, एक ऐसा वॉल है जो नॉन सियर वॉल है, मतलब नॉर्मल वॉल है, इसमें जैसे लैटरल फोर्स लगा, देखिए इसका क्या हाल हो रहा है, इसके अंदर लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो बस यही हमको दिखाना था इसमें। आगे चलेंगे और हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सियर वॉल, क्योंकि काफी एग्जाम में पूछा जाता है टाइप्स ऑफ सियर वॉल। सो हम लोग देखेंगे यहाँ पे देर आर सिक्स टाइप ऑफ सियर वॉल। फर्स्ट वन इज सिंपली रेक्टेंगुलर टाइप, सेकंड कपल वॉल्स, थर्ड क्या है रिजिड फ्रेम सियर वॉल, एंड फोर्थ क्या है फ्रेम्ड वॉल विथ इनफिल फ्रेम्स, फिफ्थ क्या है कॉलम सपोर्ट सियर वॉल, सिक्स क्या है कोर टाइप्स। ये कुछ हमारे मेन टाइप के सियर वॉल है, चलिए इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं दोस्तों। मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ और आपको अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आ रहा है प्लीज मुझे कमेंट करिए क्या नहीं समझ आ रहा है जिसको मैं इम्प्रूव कर सकूँ। मैंने अभी स्टार्ट किया है क्या बेसिक सिविल इंजीनियरिंग स्टार्ट किया है कि हम बेसिक में क्या क्या हमको पढ़ना चाहिए, मीन्स अगर हम इंटरव्यू मिल जाए तो इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ बेसिक सिविल इंजीनियरिंग जिसमें BBS में पढ़ाने वाला हूँ, लैपिंग पढ़ाने वाला हूँ, और साथ ही साथ हम लोग मैनुअल डिज़ाइन ऑफ RC मेंबर्स लाइक बीम, कॉलम और स्लैब, फाउंडेशन के बारे में मैनुअल डिज़ाइन करने वाला हूँ, ये सभी मैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाने वाला हूँ। सो दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना और साथ ही साथ लाइक कर देना साथ ही साथ, जिससे मुझे तो और अच्छा लगे तो मैं और भी अच्छे से टॉपिक्स लेके आ सकूँ। ओके, तो ये होता है सिंपली रेक्टेंगुलर टाइप। सिंपली रेक्टेंगुलर टाइप मीन्स ये रेक्टेंगल की तरह, मीन्स नॉर्मली आपको इस तरह का देखने को मिल जाएगा शॉपिंग मॉल में, हाई राइज बिल्डिंग्स में, और जैसे कि अपने क्या बोलते हैं हॉस्पिटल वगैरह में ये बैक साइड में हमेशा मैक्सिमम लगाते हैं लोग इस तरीके से। ये क्या होता है, वॉल इज प्रोवाइडेड मोनोलिथली बिटवीन टू कॉलम्स, मतलब साथ में, मोनोलिथली मीन्स साथ में, किसके साथ, दो कॉलम के बीच में प्रोवाइड करते हैं, इस तरीके से मेसिंग करते हैं, फिर यहाँ पर लोग सेटरिंग लगा के मटेरियल फिट करते हैं, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है कपल वॉल। कपल वॉल क्या होता है दोस्तों, इसमें जैसे एक बिल्डिंग है, आपको यहाँ पे कनेक्टिंग बीम बनाना है, क्या बनाना है कनेक्टिंग बीम बनाना है। इस केस में हम लोग यहाँ पे बीम की डेप्थ को थोड़ा सा ज्यादा रख देते हैं तो वो हमारा उसको कहते हैं हम लोग क्या, कपल वॉल, क्या बोलते हैं कपल वॉल। ओके, एंड हियर थर्ड ऑप्शन इज रिजिड फ्रेम सियर वॉल। ये क्या होता है चलिए देखते हैं, आपने ऐसे बहुत से देखे होंगे,
जैसे मैं पुणे में रहता हूँ, पुणे में भी काफी बिल्डिंग्स हैं ऐसी, एंड साथ ही साथ बहुत से गल्फ कंट्रीज में मूवीज में कई जगहों पर आपने देखे होंगे इस तरीके से बिल्डिंग्स। ये बिल्डिंग क्या होता है, ये बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग है जिनकी हाई राइज जो बहुत हाई राइज होती है 20 to 25 फ्लोर्स। अब यहाँ पे अगर हम लोग रेक्टेंगुलर टाइप शेयर वॉल यूज करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा कि ऊपर का हमारा जो वेट है बहुत ज्यादा वेट पड़ जाएगा, मतलब फ्लोर वेट बहुत ज्यादा पड़ जाएगा और वो बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होगा। तो फ्लोर वेट बढ़े ना, इसके लिए क्या करते हैं, ट्रस मेंबर लगाते हैं और ट्रस मेंबर लगा के बीच में कांच लगा देते हैं। इस तरीके से हम लोग बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं जिससे इसका वेट ज्यादा ना बढ़ सके। इस तरह की बिल्डिंगें थोड़ा कम बनाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा मेंटेनेंस लगता है, स्टील स्ट्रक्चर एक तो कॉस्टली होता है और दूसरा बहुत ही ज्यादा मेंटेनेंस इसके अंदर लगता है। तो इस तरीके से बिल्डिंग्स हम लोग बना सकते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग एसिड फ्रेम से। नेक्स्ट है हमारा फ्रेम्ड वॉल विद एसिटी। फ्रेम्ड वॉल विद एसिटी क्या है, चलिए देखते हैं। आपने ऐसे सिंबल सोचिए आपने कहाँ पे देखा है, कुछ आ रहा है दिमाग में, नहीं आ रहा है, आप थोड़ा जोर दे दीजिए अपने दिमाग पे। आप जाते हैं रेलवे स्टेशन पे और रेलवे स्टेशन पे ऐसे ब्लॉक्स बने रहते हैं। ये क्या है मेनली, ये है CFRP, जिसको बोलते हैं कार्बन फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर। ये क्या करता है, ये साउंड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। साथ ही साथ इसके अंदर ये देखिए, ये जो ब्लैक कलर का यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं SCT। SCT क्या होता है, होलो क्लेटाइट, जो साउंड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्या करता है, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है। इसीलिए कि अगर हम लोग रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ आती हैं, तो गाड़ियों के साउंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके साउंड्स को एब्जॉर्ब करने का काम CFRP और SCT कर लेता है, जिससे कि हमें प्रॉब्लम नहीं होती, हमें हॉर्न के कारण रेलवे स्टेशन पर रुकने में दिक्कत नहीं होती, परेशानियाँ नहीं होती। साथ ही साथ ये कंक्रीट का ब्लॉक है, इसलिए इसका फ्लोर वेट भी बड़ा होता है, फ्लोर वेट भी ज़्यादा होता है, और हमें फ्लोर वेट अपने प्लेटफॉर्म्स पर रखने पड़ते हैं। क्यों रखने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रेन रुकती है, ट्रेन में हम ब्रेक मारते हैं, तो एवरी एक्शन हैज देयर ओन ब्रेक्स, ठीक है। उसका जो रिएक्शन आए, वो रिएक्शन के लिए उसको प्रेस करना भी जरूरी है, इसके लिए हम लोग फ्लोर वेट बढ़ा के रखते हैं। इसलिए स्टेशन पे हम लोग देखते हैं जैसा ब्लॉक्स बना के रखते हैं। ओके, नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कॉलम सपोर्ट शेयर वॉल। चलिए देखते हैं ये क्या होता है। ये देखिए, ऐसे बहुत कम बिल्डिंग आपने देखा होगा, क्योंकि हमारे इंडिया में तो सॉइल की वेयरिंग कैपेसिटी अच्छी खासी है। अगर ये वेयरिंग कैपेसिटी 24 किलोमीटर पर मीटर क्यूब के नीचे है, तो हम लोग पाइल फाउंडेशन कर लेते हैं। बट कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे केवल और केवल सैंड है, ऐसे जगहों पे बहुत ही प्रॉब्लम जाती है बड़े कॉलम्स को खड़े करने में। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से ब्लॉक्स लगा देते हैं, स्टील मेंबर्स लगा देते हैं, ये कुछ मेन स्टील मेंबर्स, कुछ सब मेंबर्स लगा देते हैं जो इसको पकड़ने का काम करता है, जिससे कि इसमें लैटरल डिस्प्लेसमेंट ना हो सके, ठीक है दोस्तों। लैटरल डिस्प्लेसमेंट को रोकने के लिए कॉलम सपोर्ट शेयर वॉल लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, कोर टाइप शेयर वॉल। कोर टाइप शेयर वॉल क्या होता है, बहुत सी जगहों पे आपने देखा होगा कोर टाइप शेयर वॉल, ये होता है जो लिफ्ट एरियाज में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, लिफ्ट एरियाज में। क्यों, क्योंकि लिफ्ट में अचानक से बहुत ही ज्यादा वेट फैलता है, मीन्स 10 लोग 15 लोग एक साथ लिफ्ट में एंट्री करते हो, अगर एक साथ एंट्री करते हो, अगर यहाँ पे हमने ब्रिक लगा दिया, ब्रिक क्या होता है, कंप्रेसिव मेंबर्स होते हैं, अगर ब्रिक लगा दिया तो ब्रिक पे लोड ट्रांसफर नहीं होगा, बट टेंसाइल मेंबर अगर उसके अंदर स्टील है, तो स्टील क्या करता है, मेंबर लोड को ट्रांसफर करता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा लिफ्ट एरियाज में केवल और केवल कोर टाइप शियर वॉल, मींस शियर वॉल ही प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर सके और उसकी लाइफ बढ़ सके, लिफ्ट की लाइफ बढ़ सके। ओके, नेक्स्ट, ऐसे ब्लॉक्स आपने देखे होंगे फ्लाईओवर्स के नीचे, ये हॉलो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये साउंड को एब्जॉर्ब करने के काम करते हैं। आजकल इससे कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग में भी यूज कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा कॉस्टली होता है कंपेयर टू अदर्स, एंड कंप्रेस सिस्टम इसका भी सेम होता है जैसा कि उसका होता है। और ये हम लोग को फ्लाईओवर्स के नीचे आपने देखा होगा, तो फ्लाईओवर्स के नीचे और कहीं कहीं पे बड़े बड़े हॉल में भी लगाए जाते हैं CFRP के, जिससे कि हॉल का जो साउंड है, या कुछ कुछ मूवी थिएटर में भी यूज करते हैं, तो जो उसका साउंड है, उसके साउंड को एब्जॉर्ब कर सके, पंख खींच सके, जिससे कि वहाँ पे कम से कम नॉइस हो, आवाज आपकी गूंजे। ओके, चलिए लोकेशन ऑफ अ शेयर वॉल कहाँ लगाना चाहिए, आप देख सकते हैं, लोकेटेड सिमेट्रिकली टू अवॉइड इल इफेक्ट ऑफ पिचिंग, कैन बी लोकेटेड एट एक्सटीरियर और इंटीरियर, कहीं पर भी लगा सकते हो आप। मोर इफेक्टिव व्हेन यू लोकेटेड एट एक्सटीरियर पैरामीटर्स ऑफ द बिल्डिंग्स, मतलब बाहर लगाओगे तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव, जहाँ पे ट्विस्टिंग का ज्यादा खतरा रहता है, वहाँ पे ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हम लोग ये PPT जो है, जो PPT में बनाया था, आपको दिखा रहा हूँ, ये PPT आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहाँ पे हमारी लिंक है वेबसाइट की,
और मैं वहाँ पे लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट linuxbuild.com पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। साथ ही साथ और भी कोई नए टॉपिक्स के बारे में आपको जानना है, मैं अबाउट 5 ईयर्स से सिविल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, सो मैक्सिमम टॉपिक के बारे में मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी नॉलेज है मैं आप तक पहुँचाऊंगा। सो आपको किसी स्पेशल टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट पे हमें कमेंट करिए, और प्लीज़ दोस्तों शेयर करना है, जब शेयर करते हो तो मुझे लगता है कि कुछ नया देना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा मोटिवेशनल अंदर से नहीं आता तो फिर लगता है यार चलो जाने दूंगी बहुत हो। ओके, सो डिजाइन प्रोविजन, डिजाइन कब और कैसे करते हैं, रिव्यू ऑफ द लेआउट, पहले हम लोग लेआउट का क्या करते हैं, रिव्यू लेते हैं, डिटरमाइन द वेरियस लोड्स, कौन कौन से लोड पड़ रहे हैं उसको चेक करते हैं, मीन्स बिल्ड लोड पड़ रहा है, तो बिल्ड लोड का फॉर्मूला है, वैसे मैं इसका एक्टिविटी बनाने वाला हूँ बिल्ड लोड का, बट अभी के लिए मैं बता दूँ बिल्ड लोड का फॉर्मूला है वीवी K1 K2 K3, वीवी क्या है बेसिक बिल्ड स्पीड, और K1 क्या है रिस्क कोफिशिएंट, और K2 क्या है टेरेन कैटेगरी, और K3 क्या है टोपोग्राफी फैक्टर, उसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें कितना ज़्यादा बिल्ड का प्रेशर आएगा, एस्टिमेट ऑफ द अर्थक्वेक डिजाइन, अर्थक्वेक का फोर्स का हम कैलकुलेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू IS 1893। मैं अभी जल्दी ही IS कोड के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट IS कोड है सिविल इंजीनियरिंग, और साथ ही साथ एक एक IS कोड के बारे में भी बताऊंगा आपको, क्योंकि आप पढ़ते हो आपको IS कोड इतना बड़ा लगता है कि आपको लगता है खत्म कैसे होगा, ये IS कोड बहुत ज़्यादा है, बट मैं उसको शॉर्ट करके आपको दूंगा जिससे कि आपको इजिली समझ में आ जाए कि पढ़ना क्या है IS कोड, ठीक है, क्योंकि हर इंटरव्यू बोलता है IS कोड, बट पढ़ना क्या है वो मैं आपको एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर सिस्टम उसका एनालिसिस करो, डिजाइन ऑफ द फ्रैक्चर स्ट्रेंथ, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ किसके वजह से होता है BMD के कारण, लोग इसका BMD चेक करेंगे, इसका सेफ्टी चेक करेंगे, CL स्ट्रेंथ एंड देन डिटेलिंग ऑफ द रेनफोर्समेंट। ओके, अब यहाँ पे दिखाया गया बिहेवियर अंडर सेस्मिक लोड, मीन्स जितना बड़ी बिल्डिंग होगी उतना ज्यादा सेस्मिक रिस्क रहेगा। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है फ्लेक्चर स्ट्रेंथ, ये देखिए फ्लेक्चर फेल्योर हो रहा है ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, और यहाँ पे देखिए शियर फोर्स की वजह से क्या हो रहा है शियर फेल्योर हो रहा है। शियर फोर्स क्या होता है, अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस, ऑल दी वर्टिकल मतलब फोर्सेस इज कॉल्ड शियर फोर्स, ठीक है, तो आपको शियर फोर्स को चेक करना भी आना चाहिए और बेंडिंग मोमेंट को, वैसे मैं सोम के लेक्चर में आपको बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन अभी आप जानिए कि BMD के कारण इस तरीके से फेल्योर हो सकता है और ये इसके कारण, तो आपको मैक्सिमम BMD भी आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम कितना BMD सकता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पता होना चाहिए आपको कि कितना डिफ्लेक्ट हो सकता है, इससे डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है स्पैन बाय 250 नॉर्मल टेम्परेचर के लिए, स्पैन बाय 250 आपको उसे चेक करना चाहिए कि डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, मैं आगे के सॉफ्टवेयर में इसको डिस्कस करूंगा। एडवांटेज आप इसको पढ़ सकते हैं, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैपेबिलिटी हाइज एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस टू डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन, लेटर स्वेप मैंने बताया था लेटर ऐसे ना हो, इजी कंस्ट्रक्शन, एक बार सटरिंग लगाया और फटाफट से मटेरियल फिल कर दिया तो ईजी होता है, इट इज मोर रेजिस्टेंस टू अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें काफी अच्छे से ऐसे मेसिंग्स भी रहती है, मेसिंग की वजह से अर्थक्वेक का खतरा कम हो जाता है, और इफिशियंट इन द टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, क्योंकि अगर इसको बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं मशीन बुलवाते हैं अपने साइट पे, तो साइट पे ही कंक्रीट बनता है इसलिए थोड़ा इजी पड़ता है, थोड़ा कॉस्ट कम पड़ता है, अदरवाइज पड़ता तो है। इफेक्टिव बिल्डिंग एलिमेंट्स कंक्लूजन इसका एंड रेजिस्टिंग लेटर सपोर्ट्स, लार्जेस्ट स्टिफनेस एंड डैमेज कैन बी मिनिमाइज। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ये था शॉर्ट नोट्स फॉर शेयर फोर्स, अगर आपको ये नोट कैसा लगा वो ये क्लास और जैसा भी लगा प्लीज़ इसे कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप लाइक दिस एंड थैंक यू फॉर शेयर विथ योर फ्रेंड्स।